सोनिया आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो आप? दाल है बस, कुछ नहीं है। पानी हो गया इतनी? पानी में जहर है, मैंने आपको कितनी बार मना करा खाना नहीं बनाने से। पानी में जहर है, मैं बना रही हूँ खाना, क्या बकवास कर रही हो? इधर सुनो, इस खाने को 5 मिनट में फेंक दो, मैं अभी आ रही हूँ। सोनिया पागल हो गई हो क्या? ओ भाई बहुत टाइम हो गया, मुझे जाना भी है, खाना दो। बहुत टाइम हो गया? क्या आपने अपनी डॉटर को देखा, क्या हो गया उसको? क्यों, क्या हो गया? अपने आप से बात करती रहती है, उस दिन टीवी म्यूट पे देख रही थी, म्यूट पे। छोटी छोटी बातों को कई बार बहुत ज्यादा ले जाती हो। छोटी बात है ये? आपको पता है वो नहाती नहीं है, ना कुछ करती है, अकेडमिक्स में भी कुछ नहीं कर रही है ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ आप उसको समझाओ। मम्मी मैंने आपको बोला था खाना फेंक दो, आप खाना क्यों खा रहे हो? सोनिया खाना मैंने बनाया। सोनिया मम्मा से पापा इस खाने में जहर है। किसने बोला? मैंने मम्मी को मैंने बनाया है ये खाना, मैंने मेरे सामने बनाया है खाना, हमारे नेबर्स ने इसमें जहर डाला है। पहले इसको व्हाट इज दिस सोनिया, कम सोनिया सुनो मेरी बात। सोनिया सोनिया उठो, एग्जाम पेपर छोड़ो। सोनिया सोनिया उठो, सोनिया सोनिया उठो, एग्जाम पेपर छोड़ो, तुम्हारी मम्मा डेंजर में है, चलो एग्जाम छोड़ो, रूम से बाहर निकलो। लिखने क्यों लग गई, चिंता नहीं है क्या माँ की? सोनिया इधर उधर क्या देख रही हो? उठो उठो बाहर निकलो। सोनिया सोनिया अच्छा। कैसे एकदम दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं कि टीवी देख रही थी,
बंद था टीवी। हाँ, मैंने बताया मेरे को कि कैसे किस तरीके से फिर एग्रेसिव कितना बिहेव करती है, कितना गुस्से में रहती है समय आजकल। हाँ तो उठाया था उसने मुझ पे। नहीं इसका अब तुमने अपना नेबर हमारे मिस्टर खन्ना की जो डॉटर थी उन्होंने तो झाड़ फूक करवाई थी, तो हमारी बेटी पे क्यों नहीं हो रहा जब मैं लेकर गई थी उनको बाबा जी के पास। सुनो ये सब झाड़ फूक वाली बातें ना इसको निकलो, कुछ प्रॉब्लम कई बार जरूरी नहीं होता कि हर चीज वैसी ही होती है जैसी आप दूसरों के साथ सोचते हैं या कुछ हुआ उनके साथ हुआ, ऐसा कुछ आप नहीं समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं मैंने भी ये देखा है बहुत, मैंने भी इसके लिए डिस्कस करने की कोशिश की है। अब कल ही मैं अपने बॉस से बात कर रहा था, वो भी इस चीज़ के लिए कह रहे थे कि हमें एटलीस्ट ये ना कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, इसके लिए हमें उसे वैसे कुछ एक बार डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। मैं खुद यही सोच रहा था कि कहां पर जाऊं कैसे करूं, लेकिन ये ऐसे कुछ इसका तो होती है, ऐसा भी होता है। हमें एक बार हमें सुनो एक बार अभी ऐसा करना चाहिए कि एक बार हम डॉक्टर के पास। ठीक है हर चीज पागल भी नहीं होती, हर चीज ऐसा भी नहीं होता, लेकिन एक बार डॉक्टर से मिलने में क्या हर्ज है। आपने अपने सारा काम कर लिया ना, सारे एफर्ट्स कर लिए ना, आप दो जगह पर लेकर गए हो उसको, झाड़ फूक भी करवा दिया उसको, दूसरे तरीके से कुछ पानी भी आपने पिलवा दिया किसी का, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं हमें कुछ सोल्यूशन तो देखना है ना। आप उसको देख रहे हो दिन ब दिन वो और खराब होती जा रही है। कितने महीने हो गए हमें, 4-5 महीने हो चुके हैं ये सब देखते हुए, शायद इससे ज्यादा ही। तो हमें लगता है कि हमें किसी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम जो कर सकते थे हमने कर लिया, तो मैं आज ही कोई अपॉइंटमेंट लेता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि कौन से ये डॉक्टर्स इसको देख पाएंगे, तो मैं डिस्कस करता हूँ और हम लोग एक बार इसको लेकर चलते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हम करते हैं इसके लिए बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ फिर। मैं जी बताइए तो कैसे आना हुआ सर? शी इज माय डॉक्टर सोनिया। हेलो सोनिया, पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा हमें इसके बिहेवियर वाइज कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो चाह रहे थे आपसे कुछ कंसल्ट करें इस बारे में। अच्छा, कितने दिनों से ये प्रॉब्लम नोटिस कर रहे हैं? 5-6 महीने से, बहुत ज्यादा हो गया। आप कह रहे हैं 5-6 महीने से पहले एकदम ठीक थी? हाँ ऑलमोस्ट यस, बल्कि 5-6 महीने से दिन ब दिन ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या करती है? कॉलेज में? हाँ जी कॉलेज में। अच्छा ठीक है, तो बताइए क्या आपने चेंजेस नोटिस किए हैं 5-6 महीनों में? ये सबसे पहले तो क्योंकि मैं अभी आपको बताती हूँ कि जो 5-6 महीने से बहुत होने लगा है ये अपने आप। आपने मेरे को बोला था बाहर लेके जाओगे। सोनिया आई हैव अ वर्ड विद यू, ठीक है? एक बार आपके पेरेंट्स से बात करने दो, देन आई टॉक टू यू। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ना कि ये देख आपने खुद ही देख लिया अभी कैसे एग्रेसिव हो जाती है एकदम से। अच्छा अच्छा, एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और गुस्सा ज्यादा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है इसको, छोटी छोटी बातों पे जैसे इन पे भी चिल्लाती है, हाथ भी उठाती है, हाथ भी उठाती है। ठीक है, अभी जो हुआ था कि बहुत बड़बड़ाने लगी, अपने आप से बात करती है, कोई सामने नहीं खड़ा होगा बातें करेगी, और फिर खुद ही हंसने लगती है। वो बताओ जैसे उस दिन किचन में जब आई तो कितना उसने किया इस चीज के लिए? अभी रिसेंटली बात है, एक हफ्ता ही हुआ है इसको। उस दिन मैं खाना बना रही थी, लंच बना रही थी, और ये आई और इसने कहा कि आप मत बनाओ, ये मत करो, खाने में जहर है, खाने में जहर है। अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत बोलती है कि मेरी फ्रेंड है वो चुगली करती है मेरे पर, जबकि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, पहले बहुत उठना बैठना था, अब तो सोशली बिल्कुल अलग होती जा रही है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि इन्होंने कहा हो कि कुछ आवाजें आ रही है इनको? हाँ, ये ऐसे बैठी रहती है, टीवी देखती है, उस दिन टीवी, यस टीवी बंद था जी, ना कुछ ऑन, ना कुछ, कोई आवाज नहीं आ रही है, लाइन टीवी के सामने बैठी है, सामने बैठी है और कह रही है मुझे, और हमें कह रही है कि सामने से हटो, मुझे देखना है और बात कर ले। सोनिया क्या कह रहे हैं ये, सही कह रहे हैं क्या? क्या बात क्यों नहीं कर रही, अभी भी आवाजें आ रही है, क्या हो गया? सुनने तो गए। अच्छा बस ये बता दो किसकी आवाज आ रही है? एक सेकंड, आंटी है आपकी? हाँ। अच्छा ये बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपने अपने बेस्ट फ्रेंड पे भी शक करना शुरू कर दिया है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। क्यों लगता है आपको ऐसा? वो मेरी चुगली करती है, आई हैव सम पावर, लुक। क्या दिखा रही है आप? ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक फिंगर आएगी। अच्छा। जब इतनी बड़ी जाएगी, ये वो पावर में देगी। अच्छा। उससे मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, आपको,
इसको इसको ऐसे ही बातें सबको ये अच्छा। मुझ पे खाना नहीं खाती है मतलब कितने कितने दिन मतलब हम बहुत पुश करना पड़ता है आप यकीन करेंगे पांच पांच दिन नहाती नहीं है मतलब बहुत पुश करते हैं तब कहीं जाकर थोड़ा सा बिल्कुल अपना हाइजीन की तरफ ध्यान एपिटेट कैसा है इनका अच्छा नहीं खाती नहीं स्लीप पैटर्न कैसा है बीच बीच में उठ जाएगी मम्मी मम्मी कैमरा है मम्मा इधर नींद कम हो गया है इनका हाँ? नींद कम हो गया है बहुत कम हो गया है डिस्टर्ब रहता है और दूसरा उस दिन का ये है इंसिडेंट ये घर आकर कभी गमले में ढूंढ रही है कुछ कभी बुक में ढूंढ रही है अभी आज की क्या हुआ नहीं किसने कैमरा लगा रखा है कोई हमें कंटीन्यूअसली वॉच कर रहा है मैं समझ रहा हूं प्रॉब्लम क्या है आप इन्हें जरा 2 मिनट अटेंडेंट के पास छोड़ के आइए फिर मैं बात करता हूं दोनों से जी ठीक आओ सोनिया सोनिया द स्वीट आउटसाइड आओ सब ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपने देखा मैं समझ सकता हूं आप लोग काफी डिस्ट्रेस में हो और आपकी बेटी काफी अनमैनेजेबल है घर पे तो अभी तक आपने जो मुझे हिस्ट्री दिया है उससे ये लग रहा है कि इन्हें स्किजोफ्रेनिया की बीमारी है स्किजोफ्रेनिया एक किस्म का साइकोसिस होता है इनके उम्र के काफी बच्चों में हम देखते हैं ये समस्या काफी लोग ऐसे समस्या लेके हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल ठीक है ये एक बायोलॉजिकल बीमारी है ठीक है ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं इनकी मात्रा में परिवर्तन आने से ऐसी बीमारी हो सकती है तो डॉक्टर पहले कभी ऐसी बायोलॉजिकल हमारे फैमिली में तो किसी को ऐसा कुछ नहीं है नहीं नहीं वो मैं समझ रहा हूँ देखिए पहला बात तो ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बचपन से ही ये बीमारी हो इस बीमारी का ऑनसेट कभी भी हो सकता है स्पेशली जिस एज में आपकी बेटी है उसमें हम लोग ज्यादा देखते हैं दूसरी बात है कि हाँ ये जेनेटिक का रीजन होते हैं इस बीमारी के लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके फैमिली में किसी और को होना जरूरी है ठीक है ये इनसे भी शुरू हो सकता है और इनके बाद जो जनरेशन आएंगे उनमें भी चांस रहता है और ये चांस कम है लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांस रहता है नहीं तो अब जैसे अब ये कॉलेज जाना इसका बंद हो गया है या कुछ है तो ये आप कैसे अब ट्रीटमेंट करके ये ठीक हो जाएगा देखिए ये जो सोशल विड्रॉल है जितने ये अपने कंप्लेंट्स बता रही हैं जो शक वहम की बीमारी है जो आवाजें सुनाई देती हैं ये सब स्किज़ोफ्रेनिया का ही हिस्सा है और ये सारे केमिकल से कंट्रोल होते हैं ठीक है तो हम जो दवाइयां देंगे वो इन केमिकल्स को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए देंगे और एक बार ये दवाइयां असर करने लगे अक्यूट फेज में हम काफी दवाइयां चलाएंगे ठीक है और एक बार ये केमिकल्स नॉर्मल रेंज में आ जाए तो ये जितने आप कंप्लेंट्स दे रहे हैं ये सारे ठीक हो जाएंगे बट आपको नहीं लगता कि ये एक्टिंग करती है ऐसी बनाती है जी? नहीं नहीं देखिए एक्टिंग तो बच्चे कभी कभार करते हैं कोई 5-6 महीने से एक्टिंग नहीं करेगा और ऐसी एक्टिंग करके इन्हें कुछ गेन भी नहीं होने वाला तो ये तो आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए एक्चुअली यही एक प्रॉब्लम है कभी इस तरीके से अब ये दो बार तो इसका झाड़ फूक करवाई है बाहर कि कहते हैं कि नहीं इसके ऊपर कुछ लोग कहते हैं इसके ऊपर कुछ हवा है फिर तो वो मैं हमारे समाज में यही तो प्रॉब्लम है डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर देखिए हमारे समाज में यही प्रॉब्लम है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये झाड़ फूक वालों के चक्कर में आ जाते हैं ये एक बायोलॉजिकल बीमारी है जैसे मैंने आपको समझाया है इसका इलाज भी एलोपैथिक होगा दवाइयों से होगा ये केमिकल्स को नॉर्मल रेंज में लाना ही हमारा एम है एक बार ये नॉर्मल रेंज में आ जाए तो आपकी बेटी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी कितना टाइम कितना लगेगा इस पे देखिए अभी ये एक्यूट फेज में हम हमारे यही होगा कि आप इन्हें एडमिट करें ताकि हम इन्हें ऑब्जर्व करके और इवैल्यूएट कर पाए और अपनी सारी दवाइयां चला पाए एक बार जब ये कंट्रोल हो जाए और मैनेजेबल हो जाए हम इन्हें घर भेज देंगे घर पे भी एक दो दवाइयां चलेंगी और वो तब तक चलती रहेंगी जब तक हम इन्हें ना रोके पर ठीक तो हो जाएंगी ना डॉक्टर जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपको बस भरोसा रखना है उससे मिलने क्यों नहीं आए बताओ नहीं तुम पहले बताओ मुझे कितनी बार पूछू तुमसे बताओ अभी बताओ सोनिया सोनिया किससे बात कर रही हो बेटा यहाँ कोई नहीं है सोनिया तुम मुझे बताओ बताते क्यों नहीं बेटा यहाँ कोई नहीं है किससे बात कर रही हो गुड मॉर्निंग सोनिया जी कैसी हैं आप क्या हुआ नाश्ता कर लिया आपने नाश्ता किया इन्होंने थोड़ा बहुत तो खाया है ना हाँ बस एक ब्रेड खाया अच्छा आप पानी दे दीजिए दवाई दे रहे हैं सोनिया दवाई ले लो चलो सोनिया क्या हुआ रात को सोई थी ये मैं अच्छी तरह से नहीं बीच बीच में उठ रही थी अच्छा सोनिया चलो दवाई ले लो चलो चलो ठीक हो के घर जा रहे हो चलो ये दवाइयाँ तुम्हारे लिए अच्छी है ना तुम्हें इनकी जरूरत है चलो सोनिया सोनिया
Just relax. Sonia. आप आइए, आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए. Sister, हाँ मैं देख रही हूँ, आप चलिए. डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में भी ये. देखिए देखिए अभी ये काफी अग्रेसिव है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम तुरंत ही एक इंजेक्शन दें, ठीक है, नहीं तो ये अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती है और दूसरों को भी. पर ये इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो. देखिए जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हम इनके चला रहे हैं टैबलेट के फॉर्म में, वही हम इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं. इससे इनका गुस्सा भी कम होगा और नींद भी आएगी, जो उनके लिए बहुत ही जरूरी है अभी. जो भी आप ठीक समझे, बस ये ठीक हो जानी चाहिए. बिल्कुल हो जाएगी, आप पेशेंस रखिए. गुड मॉर्निंग सोनिया, कैसी हो आज सुबह? कैसी है? ठीक नहीं है, अभी भी गुस्सा है काफी. नहीं है, तीन दिन से नहीं नहाई है, एक्टिविटीज पे नहीं जा रही है. अच्छा, और नींद आ रही है आपको? नहीं, रात को नहीं सोई अच्छी तरह से, बीच बीच में बहुत उठ रही है. एपेटाइट कैसा है? अच्छा नहीं है, सुबह इसने ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा खाया नहीं, तो मैंने ज़्यादा बोला तो कह रही है कि जहर है, आपने मिलाया है और ये सब कुछ वापस. सोनिया आप खुद बताओ, एक्टिविटीज़ में क्यों नहीं जाते आप? मुझे डर लगता है, सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों, आप तो अभी हॉस्पिटल में हो, यहाँ पे तो बिल्कुल सेफ होता है, यहाँ पे आपको डर क्यों लग रहा है? अच्छा ये बताओ आप नहा क्यों नहीं रहे हो, तीन दिन से नहीं नहाया आपने, उसमें भी डर लगता है? दवाइयां ले रही हैं ये टाइम से? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत शोर मचाया था उस दिन, सारी मेडिसिन्स फेंक दी थी, इंजेक्शन में ही देना पड़ा इसलिए तो. देखो सोनिया दवाइयां तो आपको लेनी पड़ेंगी, अगर आप यहाँ से डिस्चार्ज होना चाहते हो तो बिना दवाइयां लिए तो नहीं हो पाओगे. मुझे कोई दवाई की जरूरत नहीं है, मुझे बस घर जाना है. देखो अगर आप ओरली दवाइयां नहीं लेते हो तो हमें आपको इंजेक्शन देनी होगी, ठीक है, तो इससे बेटर ये नहीं होगा कि आप अपने आप दवाइयां ले लो? घर जाना है ना, मेडिसिन ले लो. ठीक है, मैं नर्स के हाथों भिजवाता हूँ दवाइयां, ठीक है. शील इम्प्रूव डेफिनेटली, ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंट रहना है, लेकिन जैसे जैसे इनकी डोजेस जाती रहेंगी वैसे इम्प्रूवमेंट शो करेंगे. कुछ भी देखिए करीब 10 से 15 दिन तो लग ही जाते हैं पेशेंट को सेटल होने में, उसके बाद भी लंबे समय तक दवाइयाँ चलती रहेंगी. अभी मैं दवाइयां भेज रहा हूं नर्स के हाथ. हेलो कुमार. हाय सोनिया. देखो कैसे हो तुम? कोमल आई है. सोनिया हाय. यहाँ पे क्यों आई हो तुम? मैं तुमसे मिलने आई हूँ. सोनिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इसे तो मेरे खिलाफ करा था. ये बहुत गंदी है. ऐसे नहीं बोलते, ये बहुत गंदी है. ऐसे नहीं बोलते सोनिया. सोनिया देखो तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी लाई है वो. सोनिया क्या कर रही हो? सोनिया मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारी क्लास 5 से फ्रेंड हूं ना. तुम बहुत बोल रही हो, चली जाओ यहां से, मेरे घर से यहां से. आई एम सो सॉरी. अभी ठीक है कुछ नहीं होता, मैं चली गई हूँ. आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर. नमस्ते. डॉक्टर साहब ने हमें बोला था कि आपसे मिलना है सोनिया के बारे में. क्या बताएं अब आपको, बहुत ही परेशान है इससे, बोझ बन के रह गई है बस. इतने पैसे उसके ऊपर उसके इलाज के लिए हमने दे रखे हैं, तब भी कुछ भी नहीं हो रहा है. वैसे ही अपने आप हंसना बात करना, मुझे तो लग रहा है सब कुछ नाटक है. इसको इलाज की ज़रूरत नहीं है, इसको दो थप्पड़ मारो ठीक हो जाएगी ये. जी मैं समझ रही हूँ कि आप सब लोग काफ़ी तनाव महसूस कर रहे हैं, और सोनिया को प्यार करने के बावजूद भी इस तरह का गुस्सा महसूस करना काफ़ी स्वाभाविक है. साथ ही में ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो लक्षण आप बता रहे हैं ये वो जानबूझकर नहीं कर रहे, ये सब उनके बीमारी के लक्षण हैं, और ये बीमारी दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हुई है. अगर हम सोनिया को बार बार डांटते रहें, गुस्सा करते रहें या उसका धिक्कार करते रहें तो उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंच सकती है, ठीक है. साथ ही में ये देखा गया है कि अगर व्यक्ति के घर वालों का इसी तरह का आचरण हो तो ये बीमारी बार बार आ सकती है. सोनिया चलो एक्टिविटीज़ का टाइम हो गया, तुम भी चलो आओ, सब जा रहे हैं. देखो सोनिया मुझे प्रेयर नहीं करनी, मुझे दूसरों के सामने गाना अच्छा नहीं लगता. क्यों क्या हो गया?
दूसरों के सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस उधर जाके बैठ जाना। बेड पे यहाँ बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना, उधर पे जाओगे थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ, तो चेंज हो जाएगा। हेलो सोनिया, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ठीक है, सारी दवाइयाँ ले ली आप टाइम पे? हाँ सारी दवाई लेती हूँ, एक भी मिस नहीं करती। और ये जो दवाई हम आपको दे रहे हैं इससे कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। परेशानी तब तो आप इनको फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर सकती हैं। हाँ। नींद कैसी है अभी? नींद अच्छी है, मतलब 9 बजे तक सो जाती है और 6:30 उठ जाती है सुबह, 8-9 घंटे तो आराम से सोती है। और सुबह उठ के एक्टिविटीज में जाती है? हाँ पहले से काफ़ी एक्टिविटीज में जाती है, उसको अच्छा भी लगता है एक्टिविटीज। और भूख वगैरह कैसा है? शीट्स प्रॉपरली, पहले तो बहुत ज़्यादा बहुत चिल्लाती थी पहले
कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, खाने में जहर है सब कुछ, बट अब तो मेरे हाथ से भी खा लेती है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और रोज नहा रही है? हाँ नहा भी रही है, खुद ही उठ जाती है। अच्छा अपने से नहा लेती? हाँ अपने से नहा लेती है। अच्छा सोनिया ये बताओ, पहले जब आप कुछ शक वहम की बातें करते थे, कुछ डर जैसा भी लगा रहता था, तो अब कैसा है ये डर? अब कुछ डर नहीं है, आपको ये आवाज नहीं आती, इस पर शक नहीं करती। नहीं पहले तो शक कर रहे थे, कह रहे थे कि सब आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो अब क्या लगता है उसके बारे में? अब ऐसा कुछ नहीं है, शायद मेरी गलती थी इसलिए मुझे लगता था कि कोई मुझे मारना चाहता है। अच्छा, और ये जो आवाजें आ रही थी ये अभी अस्पताल में भी आ रही है? अब नहीं आ रही कोई आवाज, पहले आ रही थी बट अब नहीं आती, कुछ नहीं आया, अब आवाज तो नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम ऐसा कहें कि ये जो शक वहम है, ये जो आवाजें हैं, ये सब आपकी बीमारी का ही एक भाग है और दवाइयों की वजह से ये सारी कम हो गई हैं, तो आप मानेंगे इस बात को? पता नहीं, शायद हाँ यही है। हम आपको डिस्चार्ज करने का सोच रहे हैं, लेकिन डिस्चार्ज आप दो ही शर्तों पे होंगी। पहला कि आप ये हमारी दवाइयाँ सब टाइम पे डोज के अनुसार लेती रहें, और दूसरा कि आप फॉलोअप के लिए रेगुलरली आती रहें ताकि हम आपको एसेस कर पाएं और जैसे ज़रूरत पड़े वैसे इनकी हम दवाइयाँ बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, हम आएंगे, मतलब ले लूँगी सारी दवाई। ओके, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू।